राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर रविवार को रेलवे स्टेशन स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि वीरता और शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप देश की रक्षा के लिए लगातार युद्ध लड़ते रहे और किसी के आगे नहीं झुके। उन्होंने कहा कि आज की वर्तमान युवा पीढ़ी महाराणा प्रताप से बहुत प्रेरणा ग्रहण कर सकती है। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद और अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, आज हम सभी लोग यहाँ पर वीरता और शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। ये सभी को मालूम है किस प्रकार से उन्होंने अपनी सेना के साथ एक बहुत बड़ी सेना से टक्कर लेते हुए विजय प्राप्त की और वो लगातार युद्ध लड़ते रहे, लेकिन वो कभी भी किसी के सामने झुके नहीं। एक जो स्वाभिमान शब्द है उसके वो जीते जागते मतलब एक किंवदंती बन गए, एक पर्याय बन गए कि उन्होंने आजन संघर्ष किया लेकिन कभी भी किसी शासक के सामने वो झुके नहीं। वो घास की रोटी खाते रहे लेकिन अंत तक लड़ते रहे और जो जिस समय जब उनका राज्याभिषेक हुआ था और जितना उनको साम्राज्य मिला हुआ था, जिस समय उन्होंने अपने प्राण त्यागे, उस समय तक उन्होंने अपने पूरे उस राज्य को अक्षुण बना के रखा जो बीच में कुछ लोगों ने कब्जा हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने वीरता और शौर्य के दम पर उसको वापस पा लिया। और निश्चित रूप से आज की जो युवा पीढ़ी है उनसे बहुत सी प्रेरणा ग्रहण करती है और निश्चित रूप से आज यहाँ पे हम पूरे जनपदवासी की ओर से, हमारे सभासद जी हैं, हमारे जो छत्तीस सभा के लोग हैं, उन सभी लोगों ने हमने मिलकर यहाँ पर आज आए हुए हैं अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। निश्चित रूप से यहाँ पर इसको इनको महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलती है और वो उनके पथ पर चलकर देश के लिए काम करने के उनके अंदर जज्बा पैदा होता है।